नमस्कार फरीदाबाद, हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 11 में। विधायक नरेंद्र गुप्ता हैं, उनका कार्यालय है। और आज जिन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन बनवाने में दिक्कतें आ रही थी, उनके लिए आज स्पेशल कैंप यहां लगाया गया है। हमारे साथ हैं समाज सेवी हैं मनोज मंगला जी, बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जी मनोज जी, बड़ा काम कर रहे हैं तो विधायक जी। हाँ विधायक जी ने सर बहुत बड़ा, एक मेरी तरफ से एक बहुत अच्छा कदम उठाया है उन्होंने बुजुर्गों के लिए। जो मैंने, क्योंकि विधायक जी की नॉलेज में आया कि काफी सारे बुजुर्ग उनसे मिलने आए कि जी हम वहां पे जाते हैं तो हमारा जो सर्टिफिकेट, हमारे पास कोई नहीं है, आयु प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसके लिए दो डॉक्टरों की कोई जांच होती है, तो उसके लिए हमें काफी सारे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पिछले कई महीने से डॉक्टर नहीं आ रहे थे, 20-21 तारीख को आना होता था, नहीं आ रहे थे, तो एक डेट उन्होंने फिक्स कर दी। तो इसके लिए विधायक जी ने स्पेशली सीएमओ साहब से और अदर्स जो भी अधिकारी थे उनको कह के यहाँ पे अपने यहाँ पे कैंप लगवाया, जिससे कि बुजुर्गों को कहीं पे ना भटकना पड़े। अब आप देखेंगे कि काफी सारे बुजुर्ग सुबह से यहाँ पे जा चुके हैं और अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। लगभग 400-500 मेरे हिसाब से बुजुर्ग का हो चुका है यहाँ पे। क्या बड़ी तादाद में आज बुजुर्ग यहाँ पहुंचे हैं फरीदाबाद, और यहाँ वृद्धावस्था पेंशन तो आमतौर पर कागज जमा करने पर वैसे भी बन जाती है, लेकिन बड़ा जो समस्या आती है बड़ी लोगों को, वो तब आती है जब उनके पास प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, उनकी आयु का जो प्रमाण पत्र है वो उनके पास नहीं होता है, तब डॉक्टर से एक मेडिकल करवाना होता है कि ये वास्तव में वृद्ध हैं, इनकी आयु 60 वर्ष से ज्यादा है। उसके लिए लगातार बुजुर्गों को चक्कर लगाने पड़ते हैं बार बार। हमने कई बार आपको दिखाया है सेक्टर 15A में जो कार्यालय है, जहां ये 20-21 तारीख को डॉक्टर को बैठना होता है। पिछले कई महीने से डॉक्टर वहां नहीं बैठ रहे थे फरीदाबाद, और आप देख सकते हैं लगातार बात करेंगे। जी जी हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ, अभी काम कर रहे हैं जी। काम कर रहे हैं? हाँ जी। तो क्या दिक्कत क्या आ रही थी आपको? दिक्कत आ रही है हमको सारी, और क्या करें। नहीं मतलब ये वहाँ 15 सेक्टर में जाते थे आप तो? नहीं नहीं, हम तो जी पहली बार आए हैं। पहली बार आई हैं जी। जी जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेश है भाई जी। बहुत दिन से परेशान है, पेंशन ना बननी, गोड़े में दर्द हो रहा है खड़े खड़े भाई। कोई कहे वहाँ जाओ, कोई कहे वहाँ जाओ, समाधान नहीं हो रहा, कई जगह चले गए भाई, कोई कभी कुछ हो जा, कभी कुछ हो जा, परेशानी। आपको क्या आयु प्रमाण पत्र नहीं आपके पास? जी मेरे पास भाई साहब सारे कागज है, जो भी कुछ है, कहीं लाइन लग जा, कहीं कुछ हो जावे, और परेशानी बहुत बननी है। कई महीने से परेशान हूँ, पहले से नहीं बननी भाई, महीने से परेशान है। और इसीलिए आज विधायक नरेंद्र गुप्ता ने आए थे, उन्होंने कहा था पब्लिक बहुत ज्यादा है, वो भी क्या करे, उनकी भी कोई कमी नहीं है, उन्होंने तो आश्वासन पूरा दिया है, उन्हों की कोई कमी नहीं है, पूरा उन्होंने आश्वासन दिया। देखो अब काम हो जाता है तो लगा रखे है, इसीलिए टीम आज पूरी लगा रखी है जी। फरीदाबाद सेक्टर 11 में विधायक नरेंद्र गुप्ता का कार्यालय है, मिलन वाटिका के पास, आप लोगों ने देखा होगा, वहीं ये कैंप लग रहा है, वहीं आज स्पेशल कैंप लगाया गया है ताकि डॉक्टर्स को, लोगों को मैनेज किया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि। और जैसा कि अभी मनोज जी कह रहे थे, बार बार लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ये जो कैंप है, यहाँ जो 15 में लगता है कैंप लगता है, डॉक्टर की जाँच के लिए वृद्ध आते हैं, उन्हें धुतकार दिया जाता है, उन्हें वहां से भगा दिया जाता है, उनका संतोषजनक तरीके से काम नहीं किया जाता है। और इसीलिए आज विधायक नरेंद्र गुप्ता ने ये इनिशिएटिव लिया है, और इनिशिएटिव लेकर यहाँ एक बड़ा कैंप आयोजित किया है, जहाँ जी एक बार अंदर भी दिखा दें आपको, आप आ सकते हैं, देख सकते हैं फरीदाबाद, ये देख सकते हैं, धीरे 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 जा रहे हैं। काम हो गया माता जी आपका? क्या नाम आपका? जसन देवी। कहाँ से आई हैं आप? ओल्ड फरीदाबाद से, पद्मनगर से। ओल्ड फरीदाबाद से आई हैं, बूढ़े बूढ़े लोग यहाँ आ रहे हैं फरीदाबाद, आप देख सकते हैं। सोना देवी। सोना देवी जी, हो गया काम? हो गया, चलो काम हो जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, काम हो जाए। और फरीदाबाद आप ये देख सकते हैं, फरीदाबाद ये देख सकते हैं आप, यहाँ बैठे हैं डॉक्टर्स, यहाँ मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखें फरीदाबाद। सेक्टर 11 में विधायक नरेंद्र गुप्ता का दफ्तर, और वहीं ये मनोज जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक ना रेगुलर फीचर कर देना चाहिए। हाँ विधायक जी ने ऑलरेडी ये कहा है कि जो बुजुर्ग अभी रुक जाएंगे, जिनका रह जाता है, क्योंकि ये 4 बजे तक यहाँ पे है,
अगर इसके बाद भी जो बुजुर्ग रह जाते हैं तो इसका जैसे ही नेक्स्ट कैंप फिर अगेन फिर यहाँ पे हम अपने विधानसभा में इसी कार्यालय में लगाएंगे। दो तीन चार दिन लगातार लगवाकर इस बैकलॉग को क्यों नहीं निपटा देते हैं? बिल्कुल, विधायक जी का पूरा यही प्रयास है, उन्होंने ऑलरेडी ये आदेश दे दिए हैं कि जैसे ही हमें टाइम मिलता है इसके साथ साथ ये जितनी भी बुजुर्ग है, कोई बुजुर्ग बिना पेंशन के नहीं रहना चाहिए, उनके यहाँ से जो भी ऐसे बुजुर्ग है जिनके पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है उनका यहाँ पे आके पूरी सुविधा मिलेगी, उनको कहीं किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तीन चार दिन डॉक्टर्स को टीम को यहीं बैठा दें, मतलब मेरा सुझाव है। ऑलरेडी विधायक जी ने ऑलरेडी ये प्रयास कर दिया है और आदेश भी दे दिए हैं कि आगे आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इनको जितने भी हमारे विधानसभा के जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबका बुढ़ापा पेंशन उनको मिलनी चाहिए। इसके लिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये, यहाँ तो आज सारी विधानसभाओं के लोग आ गए, उसके लिए मेरा ये कहना है कि विधायक जी ने, जैसे आप देख सकते हैं कोरोना का भी है तो इन्होंने अपनी ही विधानसभा के लिए लगाया था, बट जो इसके ऑफिसर्स थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारी जितना पूरा फरीदाबाद है उनको यहाँ का एड्रेस दे दिया कि जी वहाँ पे कैंप लग रहा है वहाँ पे चले जाइए। अब आप समझ सकते हैं कि पूरी विधानसभा, पूरा फरीदाबाद का एक जगह कैसे, सर निकम्मे है मनोज जी, मान लो आप सर निकम्मे है वो नहीं कह सकता, हाँ बट इतना है कि थोड़े लापरवाह है, थोड़ा डंडा चाहिए होता है, वो विधायक जी पूरा देते हैं, आपको इतना समझ, आपने भी देखा होगा विधायक जी का अधिकारियों में पूरा ये रहता है कि जल्द से जल्द हर किसी का काम कराया जाए। आप देखेंगे सामने, मैं दिखाना चाहूंगा वहां पे सामने एक वो ऑफिस बनाया हुआ है जिसपे लगातार लगातार फरीदाबाद की विधानसभा की जितनी भी हमारी ऑनलाइन प्रक्रिया है उस सबको यहाँ पे कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी को, चाहे वो परिवार पहचान पत्र है, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन है, जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं सबके लिए यहाँ पे बुजुर्ग आते हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं और यहाँ पे रूटीन में डेली काम होता है, ये नहीं है कि एक दिन होता है। और जैसे आज ये बुढ़ापा पेंशन का डॉक्टर्स वाली जो टीम बैठाई है इसका भी विधायक का पूरा प्रयास है जल्द से जल्द इनको भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।